मुलाकात करवाऊंगा बहुत मशहूर शख्सियत से, और इसलिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस बिजली को। अस्सलाम वालेकुम सारिफी, मैं हूँ बिजली। क्या सारिफी? जी हाँ सारिफी, कम से कम जो इनका मेरी वजह से हाल खुश है। देखे मुस्तकबिल खुश होना चाहिए, मुस्तकबिल होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं, चलेगी ना तो बेडंगों की तरह ढूंढते रहेंगे। बड़े झटके मार रही हैं आप। वैसे एक बात बताएं, हमारे यहाँ के वोटर आपसे बहुत नाराज है, अभी थोड़े दिन पहले असेंबली में आग लगी थी वो भी आपकी वजह से लगी थी। मैं कह रहा हूँ असेंबली में आग लग गई थी तो आप हंस रही हैं। भाई कौन न माने हमारी बात? क्या आपकी बात? मैंने आईडिया दिया था कोई असेंबली में इलेक्ट्रिक चेयर लगवा दो, लेकिन मेरी बात ही न माने। तो मिस बिजली आपसे पूछ सकता हूँ कि असेंबली में इलेक्ट्रिक चेयर लगवाने का क्या फायदा? जो मेंबर गलत काम में गलत जुबान इस्तेमाल करे उसे वही बैठे बिठाए सजा दे देती, कमबख्त मारा वही का जला भुना बैठा रहता। आप ऐसा काम क्यों करती हैं? शॉर्ट है। वैसे आपसे कराची वाले भी बहुत नाराज हैं। कराची वाले किसी एक से खुश हो तो बताइए, आओ तो राफ जुलूंगी। आपसे पहले यहाँ लोग लालटेन लेकर सोते थे। हाँ तो मेरे ख्याल में जो थी लोग लालटेन को बजा करते, मैंने कहा जब लालटेन से इतना प्यार है तो मुझे क्यों बनाया, लालटेन की मदद चला लो अपने टीवी, कल कब आया बहुत अच्छा मैच हो रहा है। वैसे आपकी शिकायत ये भी है कि बड़े लोग घर से नहीं जाती। और आपको क्या क्या शौक है? वैसे मुझे शेर और शायरी का बहुत शौक है, वो शायर है ना अहमद सफराज, उन्होंने मेरे पे गजल लिखी। अच्छा मुझे तो नहीं पता ये बिजली पर गजल लिखी है इन्होंने। रंजिशें सही दिल दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ कर जाने के लिए, अब तक मैंने कुछ बात को जिससे ये उम्मीद है आपके शफा जाने के लिए। मुझे ये मालूम नहीं था कि ये गजल अहमद सफराज ने बिजली या बिजली वालों के लिए लिखी है। बहरहाल वैसे माशाल्लाह आज बड़ा चमक रही है आप, बहुत लाइट मार रही हैं आप। ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत ही मुझे जहाँ जाना होता है मैं चली जाती हूँ। जा रही हूँ मैं कहाँ? चमकते हैं इस पर ब्रेकिंग।